जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं पढ़ाना चाहता हूं वो मैं आपको धन भाव के बारे में पढ़ाना चाहता हूं कि धन भाव किसी भी कुंडली में धन कैसे स्टडी किया जाता है या धन के भाव को हम लोग कैसे देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लोगों में अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि साहब देख के बताइए कि मेरे पास धन कैसा रहेगा, धन ठीक ठाक रहेगा या धन नहीं रहेगा, या धन रहेगा तो विपुल धन रहेगा या बस केवल गुजारे लायक धन रहेगा। तो ये सब चीजें देखने वाली होती हैं जो कि कुंडली के अंदर D1 चार्ट में देखी जाती है। अब कुंडली में चार्ट में D1 में ये सब आप ही को मालूम है कि इसके लिए देखने के लिए सेकंड भाव को ही देखना जरूरी होता है। सेकंड भाव ये है हमारा जो धन को बताता है, जो परिवार को बताता है, जो कुटुंब को बताता है, जो वाणी को बताता है। तो इसके लिए धन भाव को देखना अति आवश्यक है, तभी हम लोग स्टडी करके बता सकते हैं कि कुंडली में धन की स्थिति क्या रहेगी। अब इसके अंदर जैसे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन से एक सेकंड आप होल्ड कीजिए जरा सर। ये देखिए, ये एक प्रेजेंटेशन है जो धन भाव की स्टडी करने के लिए ही बनाया है स्पेसिफिकली। तो कैसे स्टडी करते हैं धन भाव को, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, किसी भी कुंडली में किसी भी भाव को स्टडी करने के लिए तीन चीज मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, भाव, भावेश और कारक। आपको भाव देखना होता है कि भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं, किस तरह के ग्रह हैं, किस तरह की दृष्टि है। आपको भावेश देखना होता है, आपको कारक देखना होता है कि उस भाव का कारक कौन है, गुरु है, मंगल है, शनि है, शुक्र है, चंद्रमा है, कौन कारक है, वो कारक भी आपको देखना होता है। अब सबसे पहले जब भी हम धन की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कुंडली में, तो सबसे पहले कुंडली में ये देखिए कि धन भाव कैसा है आपका, यानी सेकंड नंबर भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ मीन्स नैसर्गिक शुभ, अशुभ मीन्स नैसर्गिक अशुभ, या किन भावों के स्वामी बैठे हुए हैं। केंद्र के स्वामी बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी बैठा हुआ है, या लाभ का स्वामी बैठा हुआ है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है धन भाव को देखते वक्त। उसके बाद आपको देखना है कि धन भाव पर दृष्टि किसी ग्रह की है या नहीं। अगर है तो कैसे ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे भी फलों में कमी बढ़ोतरी होती है। फिर आपको देखना है कि भाव कर्तरी, यानी भाव कर्तरी का मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रह के दोनों ओर या किसी भी भाव के दोनों ओर अगर अशुभ ग्रह हो, मंगल शनि हो, सूर्य शनि हो या शनि राहु हो, तो वो भाव या वो ग्रह पाप कर्तरी योग में आ जाता है, जिससे उस फल के, जिससे वो ग्रह या भाव बहुत पीड़ित हो जाता है और फल बहुत कमजोर हो जाते हैं, उसके फल अच्छे नहीं मिलते बल्कि नेगेटिव फल मिलना शुरू हो जाते हैं, विपरीत फल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज देखने के बाद तो हमने भाव देखा, उसके बाद हम देखेंगे भावेश, यानी धन भाव में जो राशि है उसका स्वामी को, उसको भावेश बोलेंगे, धनेश बोल लीजिए, भावेश बोल लीजिए। तो धनेश को देखते हैं कि धनेश जो हमारा है वो कौन है और कहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है मीन्स कि लग्न से केंद्र भाव में गया है, लग्न से त्रिकोण में गया है, या लग्न से लाभ भाव में गया है, या लग्न से 6-8-12 भाव में गया हुआ है। क्योंकि आप ये समझते हैं कि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में जाना किसी भी ग्रह का वो बहुत अच्छा होता है, और लग्न से लाभ भाव में जाना उसमें थोड़ी सहूलियत नहीं रहती है। अब इसके अलावा जो इसमें एक चीज देखने वाली है वो ये कि आप ये चेक करिए कि आपका जो भावेश है वो किन ग्रहों के साथ बैठा है। भावेश के साथ युत ग्रह कौन है, भावेश के साथ आपका केंद्र का स्वामी बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी बैठा हुआ है, ये कैसा ग्रह बैठा हुआ है, या अशुभ स्थान का स्वामी बैठा हुआ है, षष्ठेश बैठा हुआ है, अष्टमेश बैठा हुआ है, द्वादशेश बैठा हुआ है। तो ये भी आपको चेक करना होगा कि भावेश के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि जब आप भावेश को देखेंगे, भावेश मीन्स धनेश को देखेंगे कुंडली में कि वो कहाँ बैठा है, तो उसकी स्थिति D9 में भी चेक करनी है आपको, D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में भी चेक करनी है। हो सकता है कि भावेश
D1 चार्ट के अंदर त्रिकोण में बैठा हो, लेकिन नवांश चार्ट में जाके वो अष्टम भाव में बैठ गया हो, 8th हाउस में बैठ गया हो, तो उससे उस भावेश की स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। या ये हो सकता है कि D1 चार्ट में वो अष्टम भाव में बैठा हो और D9 चार्ट में वो त्रिकोण में चला गया हो, तो इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए D9 चार्ट भी देखना अति आवश्यक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भावेश के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, वो आपको देखना जरूरी है कि वो तात्कालिक शुभ हैं या अशुभ हैं, षष्ठेश हैं, अष्टमेश हैं, भाग्येश हैं, पंचमेश हैं, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। फिर आपको देखना है कि भावेश पर दृष्टि किस ग्रहों की है, यानी यहाँ भी कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो फलों में कमी आएगी, शुभ ग्रह की दृष्टि है भाव के ऊपर, भावेश के ऊपर, तो फलों में वृद्धि होगी। फिर देखना है कर्तृयोग, कर्तृयोग है क्या, मतलब भावेश के दोनों ओर जो धनेश है जिसको हम भावेश बोल रहे हैं उसके दोनों ओर कहीं पाप ग्रह तो नहीं बैठे, कहीं शनि राहु तो नहीं बैठे, कहीं सूर्य मंगल तो नहीं बैठे। अगर ऐसा बैठा हुआ है और रिजल्ट्स में कमी हो जाएगी, रिजल्ट्स और विपरीत हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें भावेश पर भी दृष्टि देखनी है और कर्तरी भी देखना है। इसके बाद जब हमने भाव देख लिया, भावेश देख लिया, तो थर्ड चीज आती है कारक, कि कारक को भी देखना बहुत आवश्यक है। कारक कौन होता है? कारक सेकंड भाव का गुरु होता है। ये आप जानते होंगे कि फर्स्ट भाव का कारक सूर्य, सेकंड भाव का कारक गुरु, थर्ड भाव का कारक मंगल, चौथे भाव का कारक चंद्र, पांचवे भाव का कारक गुरु, छठे भाव का कारक मंगल, ये आपको आइडिया होगा। तो इस तरीके से धन भाव का जो कारक होता है वो गुरु होता है। तो आपको गुरु को भी देखना है। गुरु क्या देखना है आपने? आपने देखना है कि गुरु की जो स्थिति है, कारक जो हमारा है, वो कहाँ गया है लगन से, केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है, या लाभ भाव में गया है, या 6-8-12 भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि अगर कारक केंद्र त्रिकोण में जाएगा तो वो अच्छा फल करेगा, और कारक अगर 6-8-12 भाव में चला गया तो फल को थोड़ा कम कर देगा। तो इसी प्रकार से कारक को हमें D9 चार्ट में भी चेक करना है कि D9 चार्ट के अंदर भी वो किस भाव में बैठा है लगन से, वो केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है, या लाभ भाव में बैठा है, या 6-8-12 में बैठा है, सेकंड भाव या थर्ड भाव में है। तो D9 चार्ट के अंदर भी हमको इसको चेक करना होगा कारक। फिर हमें यह चेक करना होगा कारक पर दृष्टि किसकी है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है। शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो फल इंक्रीज होंगे, अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो फल डिक्रीज होंगे। कर्तरी दोष हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि कारक के दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रह बैठे हों, सूर्य शनि हो, राहु मंगल हो, तो वो भी आपको चेक करना है, उससे भी फर्क पड़ेगा। एक चीज मैंने इसमें लिखा है काल पुरुष की पत्रिका अनुसार शुक्र, के शुक्र को भी देख लेना चाहिए जब धन की स्टडी करते हैं। वो क्यों? उसका रीजन ये है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि भाव भावेश और कारक देखिए तो शुक्र क्यों दिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि शुक्र काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी होता है, धन भाव का स्वामी होता है। तो धनेश मतलब वो बाय डिफॉल्ट धनेश है, क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली में धनेश होता है शुक्र। तो इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है कि शुक्र को भी हम लोग एक बार चेक कर लें। और उसके अलावा भी गुरु अगर धन का कारक है तो शुक्र बहुत ही ज्यादा विपुल धन का कारक है, बहुत ज्यादा कारक, जो 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ रुपए की धन वगैरह की बात होती है, तो फिर शुक्र इन्वॉल्व। अब इसमें हमें देखना है कि धन योग के बारे में हम देखेंगे कि धन का कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। धन का योग कैसे देखें? देखिए, आपका किसी भी कुंडली में योग देखने के लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको इसमें रटने की जरूरत है। आप सिंपल सिद्धांत कीजिए कि आप होने चाहिए, यानी आप मतलब लगन होना चाहिए, धन भाव का स्वामी होना चाहिए, वो आपके साथ आ गया, लाभ भाव का स्वामी हो वो आपके साथ हो गया, और भाग्य आपके साथ हो, यानी लगन भी आपके साथ, धन भी आपके साथ, लाभ भी आपके साथ और भाग्य भी आपके साथ, तो आप समझिए कि बारे न्यारे हैं, बहुत बढ़िया योग कहलाता है ये वाला। इसी प्रकार से लगन आपके साथ, धनेश आपके साथ, धन आपके साथ हो गया, चतुर्थेश यानी सुख आपके साथ हो गया, भाग्येश आपके साथ हो गया, तो भी बहुत अच्छा योग बन गया। और ऊपर से गुरु या शुक्र की दृष्टि हो गई कि शुभ ग्रह की, तो फिर तो बारे न्यारे हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है देखना कि कहीं कोई कुंडली में धन योग तो नहीं बन रहा। और अगर ये धन योग बन रहा है इस तरह का कि लग्नेश धनेश लाभेश या लग्नेश धनेश भाग्येश कहीं बैठे हैं, वो ये देखना चेक करना जरूरी है कि वो केंद्र में है या त्रिकोण में है। अगर केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा विपुल धन होगा। अगर वो 6-8-12 में है तो धन तो होगा लेकिन विपुल धन नहीं होगा, क्योंकि उससे धन में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और धन का अगर योग बनता है और उसमें इंडिविजुअल ग्रह अगर कमजोर भी है, मान लिया लग्नेश, धनेश और भाग्येश तीनों साथ बैठे लेकिन वो कमजोर भी है आप ग्रह, तो भी मतलब धन की कमी नहीं रहेगी। भले ही धन का योग पूरा राजयोग ना बन पाए पर धन की कमी उसमें नहीं रहेगी। अब मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूं एक कुंडली, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जरा सा, तो मैं आपको कुंडली इसमें ला के दिखाता हूँ, जहां से आपको आइडिया होगा कि कैसे धन भाव को हम लोग स्टडी करते हैं। ये कुंडली है, एक इस कुंडली खोल लेता हूँ, ये वाली, इसको मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ, प्रश्न डाल देता हूँ, बेल की कुंडली है ये। इनकी डेट है 10 मार्च 1965, 10th मार्च 1965, टाइम है रात के 12:31:35, यानी 9:35, 31:35 ये टाइम है। कुंडली ये राजस्थान की है, शहर बीकानेर है, बीकानेर। इसको देखने के लिए बीकानेर को चेक कर लेते हैं, बीकानेर। बीकानेर आ गया, ये कुंडली हमने देख ली। इस कुंडली को अगर हम देखें तो ये कुंडली हमारे सामने बन जाती है। अब इस कुंडली को हम लोग स्टडी करके देखते हैं, इसमें धन भाव की स्थिति कैसी है वो हम स्टडी करके देखते हैं। तो देखिए, पहले हम देखेंगे भाव। भाव में क्या है? भाव में केतु बैठा हुआ है और राहु और चंद्रमा की दृष्टि है। राहु और चंद्रमा की दृष्टि है, यानी एक पाप ग्रह की दृष्टि भी है और एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी है। तो ये भाव पे, भाव में स्थित है। इसके अलावा भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भी आ रही है। देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, यानी इस भाव पे केतु बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। तो भाव थोड़ा वीक है, ये इससे आइडिया लगता है कि भाव थोड़ा वीक है। क्या शनि की दृष्टि है? 7, 8, 9, 10। सैटर्न की दृष्टि भी यहाँ पर, शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आती है इस भाव के ऊपर। तो ये भाव काफी वीक नजर आता है कि धन भाव में, मतलब भाव हमारा बड़ा कमजोर नजर आता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर है, मंगल की दृष्टि भी इसके ऊपर है और राहु की दृष्टि भी इसके ऊपर है, और केतु ऑलरेडी यहाँ पर बैठा है। अब इसमें हम देखते हैं भावेश कहाँ गया। भावेश क्या है हमारा कुंडली का? भावेश बनता है मंगल। मंगल गया लाभ भाव में, ये अच्छा हुआ, मंगल लाभ भाव में गया, क्योंकि किसी भी भाव ग्रह का अपने लगन से केंद्र में जाना, त्रिकोण में जाना या लाभ भाव में जाना अच्छा होता है। तो ये चीज तो यहाँ पर अच्छा रहा कि भावेश लाभ भाव में चला गया। अब भावेश पर के साथ कोई ग्रह बैठा है? भावेश के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा, भावेश अकेला ही कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। अब हमें यह देखना है कि भावेश के ऊपर दृष्टि किसकी है। तो आप देखिए, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, वीनस की दृष्टि है भाव पे। तो आप ये देख सकते हैं, और साथ में गुरु की दृष्टि भी है, यानी इस पे 4-4 ग्रहों की दृष्टि है। गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, सॉरी शनि है, सूर्य है, गुरु है और शुक्र है। तो इसमें 4 ग्रहों की दृष्टि होने से, यानी 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जुपिटर की और वीनस की, 2 पाप ग्रहों की दृष्टि है, शनि की और सूर्य की। तो भाव, भावेश भी जो है वो सोसो है, भावेश भी बहुत अच्छा नहीं है। फर्क, फायदा सिर्फ इतना है कि भावेश लगन भाव में, लाभेश भाव, लाभ भाव में बैठा हुआ है और मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है। एक बस यही एक पॉजिटिव चीज हमारे लिए बन जाती है। अगर हम कारक को देखें, कारक को देखते हैं तो जुपिटर, जुपिटर कहाँ बैठा है? केंद्र में बैठा हुआ है। जुपिटर 7वें भाव में है, तो केंद्र में बैठना ग्रह के लिए अच्छा होता है, केंद्र में बैठा हुआ है और साथ में इसमें एक नंबर राशि है। इसका मतलब यह हुआ कि जुपिटर मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ।
तो हमने देखा कि भाव हमारा कमजोर था, भावेश हमारा सोसो था, लेकिन कारक हमारा ठीक है क्योंकि कारक के ऊपर। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी शनि की दृष्टि आती है, बट एक ग्रह की दृष्टि से हम थोड़ा इतना ज्यादा उसको माइंड नहीं करते। अगर दो या दो से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो उसका ज्यादा फर्क पड़ता है। तो गुरु यहाँ पर, कारक यहाँ पर ठीक लगता है। अब इस कारक को हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, इस कुंडली में भी हमारी जो D9 चार्ट है, तो कारक को देखा D9 चार्ट में, तो वो हमारा उस नवांश कुंडली में धन भाव में बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। धन भाव में बैठा हुआ है जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, तो इसलिए कारक इंप्रूव हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं लग्नेश को, धनेश को। धनेश है मंगल। मंगल हमारा इस कुंडली के अंदर कहाँ बैठा है? मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो मंगल भी इंप्रूव है इस कुंडली के अंदर। तो नवांश कुंडली में थोड़ी कुंडली इंप्रूव हुआ है। नवांश कुंडली में जो भावेश हमारा है यानी धनेश है, वो भी इंप्रूवमेंट की तरफ है, लग्न में बैठा हुआ है। और जो हमारा कारक है जुपिटर, वो भी धन भाव में बैठा हुआ है, वो भी इंप्रूवमेंट की साइड में है। तो इससे ये तो लग रहा है मोटा मोटा कि धन ठीक ठाक इनके पास रहेगा। अब देखते हैं कि इस कुंडली में क्या कोई धन का योग बन रहा है। धन का योग बनने के लिए हम क्या चेक करें? तो देखिए कहां पर ज्यादा ग्रह बैठे हैं एक साथ, तो वहां हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर शनि है, वीनस है, सूर्य है। अब शनि को अगर आप चेक करें तो शनि क्या है? शनि आपका चतुर्देश है, शनि आपका पंचमेश है। तो चतुर्देश भी है, पंचमेश भी है। वीनस क्या है आपका? वीनस आपका सप्तम भाव लग्नेश भी है। तो लग्नेश साथ में आ गया, चतुर्देश साथ में आ गया, पंचमेश साथ में आ गया, और सूर्य क्या है आपका? सूर्य लाभेश आपका आ गया। यानी यहाँ पे योग बना। कैसे योग बना? कि लाभेश भी है, लग्नेश भी है। लग्नेश कहाँ है? ये शुक्र है। तो आप भी स्वयं इन्वॉल्व हो गए, चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, सुख भी इन्वॉल्व हो गया, पंचमेश भी इन्वॉल्व है, जो पंचम भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है वो भी इन्वॉल्व है, और आपका लाभ भाव का स्वामी यानी सूर्य वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो आपका इसके अंदर बहुत अच्छा इन्वॉल्व हो गया। और धनेश यानी धन भाव तो उसमें इन्वॉल्व हो ही गया, क्योंकि धन भावेश के स्वामी की यहाँ पर दृष्टि है। तो दृष्टि में अब धन भाव तो आ गया, इन्वॉल्व तो हो गया, लग्नेश हो गया, पंचमेश हो गया, चतुर्थेश हो गया, लाभेश हो गया, धनेश हो गया, धनेश भी इन्वॉल्व हो गया। ये तो है कि धन का योग तो बना, लेकिन चूंकि मंगल यहां दृष्टि दे रहा है, इस भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो मतलब ये दिखाता है कि इसने कुछ चोट वोट भी लग सकती है, कुछ मतलब थोड़ा धन मिलने में थोड़ी असुविधा तो नहीं कह सकते हम इसको, असुविधा तो नहीं कहेंगे, चूंकि यहाँ पर ये आपका धनेश है, मतलब ये है कि चोट चाट लग सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है जो कि इस जातक की हुई भी है, तो मतलब मंगल की दशा है ये, तो ये चीज हो सकती है। मतलब धन तो इन्हें मिलेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये बीमार पड़ जाए या कोई चोट वोट लग जाए, तो वो एक चीज की संभावना इस कुंडली में हो सकती है। तो आपने देखा कि इस कुंडली में योग बना जिसमें लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, लाभेश और धनेश, इन सबका योग हो गया, तो इस कुंडली में एक योग बना, और वो योग बना भी आपका त्रिकोण में है, 6, 8, 12 हाउस के अंदर नहीं बना है, 6, 8 और 12 भाव में नहीं बना है, वो त्रिकोण में योग बना है। तो योग तो अच्छा है, लेकिन मंगल की दृष्टि होने से, हालांकि धनेश इसमें इन्वॉल्व हो गया, पर उस योग में थोड़ी कमी आ जाती है, और थोड़ी कमी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर ये दूसरा भाव पीड़ित है। तो धन का योग होते हुए भी अगर ये मंगल की दृष्टि, यहाँ पर मंगल साथ बैठा होता तो, या यहाँ पर ये भाव पीड़ित ना होता, केतु यहाँ पर नहीं होता, या राहु की दृष्टि यहाँ पे नहीं होती, तो या भावेश बहुत स्ट्रांग होता, तो इस व्यक्ति के ऊपर पास में विपुल धन हो सकता था। लेकिन अब इनके पास धन, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी स्लाइड के अंदर बताया था कि धन का योग बने, और अगर थोड़ा वो योग कमजोर भी हो तो धन की कमी तो नहीं रहेगी, तो धन की कमी तो इनके पास नहीं है, लेकिन विपुल धन भी नहीं है। एक छोटी सी इनके पास फैक्ट्री है, विपुल धन इनके पास नहीं है, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो आपको भाव देखना है, भावेश देखना है, मंगल देखना है कहाँ गया, मंगल की स्थिति आपको नवांश में देखनी है, कारक देखना है गुरु वो कहाँ गया, कारक की स्थिति आपको नवांश में देखनी है, उसके बाद आपको देखना है इन पे दृष्टि किसकी है, इन पे इनके साथ ग्रह कौन बैठे हुए हैं,
फिर देखना है कि क्या कोई योग कुंडली के अंदर बन रहा है। तो जैसे डीवन चार्ट में ये तीन ग्रह साथ बैठे हैं तो ये लग्नेश का, चतुर्देश का, पंचमेश का, लाभेश का योग एक बन रहा है, बहुत अच्छी बात होती है। और साथ में धन भाग का स्वामी इनको दृष्टि भी दे रहा है, तो साथ में धनेश भी इन्वॉल्व हो गया, तो ये एक अच्छा योग बन जाता है। लेकिन चूंकि भाव और भावेश बहुत स्ट्रांग इनके नहीं थे तो ये योग राजयोग नहीं, लेकिन हाँ योग है, मतलब धन की कमी नहीं होगी, धन ठीक ठाक होगा, लेकिन विपुल धन इनके पास नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये कुंडली समझ में आई होगी, और इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चतुर्थ भाव के बारे में बताऊंगा कि सुख भाव को कैसे देखते हैं, उसमें भी कुंडली का सैंपल देके मैं आपको बताऊंगा। और बस अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन मुझसे बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।